मुझे बड़ा हर्ष है कि अपने 3 वर्षों के मेंबर के तौर पर कार्यक्रम करते हुए और इन 2.5 वर्षों में एज चेयरपर्सन काम करते हुए मैंने प्रयास किया कि हर बेटी की समस्या का समाधान हो सके। आप सभी जानते हैं 100% कोई कार्य नहीं हो सकता, परंतु महिला आयोग को इस बात की खुशी है कि आयोग की पूरी टीम ने मेरे साथ जुड़कर 97% कामों को सॉल्व किया। महिलाओं में जागरूकता बढ़ी, इस बात की हमें खुशी है। जो महिलाएं वर्षों से अपने प्रॉब्लम्स को दबाए हुए थी, वो आंकड़े भी सामने आए। इन 2.5-3 वर्षों में 9000 के करीब केसेस आए, जिनमें से हमने 97% सॉल्व किए। हर रोज़ छुटपुट आंकड़े बढ़ते रहेंगे, हम उनको सॉल्व करते रहेंगे, परंतु लोगों में जागरूकता आई, इस बात की हमें बहुत खुशी है। जब जब भी हमारे पास कोई ऐसे केसेस आए हैं जिनमें महिलाओं ने अपनी शिकायत रखी, परंतु महिला आयोग पहले दिन से ट्रांसपेरेंसी से केसेस करता है, दोनों पक्षों को बुलाता है, आमने सामने बात करता है, और अगर हमारे पास 100 केसेस आए हैं तो उनमें 5 फेक भी निकले हैं, और उन फेक केसेस पर वही कार्रवाई हुई है जो एक पुरुष पे बनती है उसकी गलती पर। 182 जो महिलाओं के खिलाफ बननी चाहिए थी, उन केसेस को लेकर जिनमें हनी ट्रैपिंग भी थी, जिनमें बदनाम करने की साजिश भी थी, जिनमें पैसा ऐंठने की छोड़ने के नाम पर थी, तो इन केसेस के हमने खिलाफ भी काम किया। सो आई फील प्राउड टू से दैट वी नेवर डू पार्शियलिटी टू वीमेन इफ़ दे आर रॉन्ग। आई थिंक सोसाइटी इज़ इक्वल, मैन एंड वीमेन आर इक्वल, सो वी शुड गिव इक्वल आंसर एंड इक्वल यू नो रिजल्ट टू बोथ द केसेस। वी हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन दैट, वी डोंट लेट वीमेन डू फेक काम। वी कैच दोज वीमेन ऑल्सो who have done fake calm with the proofs. Whenever we get proofs from men, we do all that. Ma'am.